हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम Redmi K20 Pro का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे फोन कैसा दिखता है, बॉक्स कंटेंट क्या है, साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ बेंचमार्क स्कोर वगैरह भी देखेंगे और पबजी को भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे जो पबजी का परफॉर्मेंस हमें इस फोन में कैसा देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ऊपर में जो है Xiaomi का लोगो है सिल्वर कलर का और यहां पर जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा का इमेज दिया गया है, जहां पर Redmi K20 Pro काफी बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है और नीचे जो है छोटे अक्षर में लिखा गया है फ्लैगशिप Qualcomm Snapdragon 855 और यहाँ पर इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड का जो है स्टिकर लगाया गया है। और इसके टोटल दो वेरिएंट आते हैं, एक जो है 6GB 128GB जो कि मेरे पास है, जिसका प्राइस है 27,999 और एक जो है 8GB 256GB जिसका प्राइस है 30,999। आप इन दोनों में से किसी एक को बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में Redmi K20 Pro by Xiaomi लिखा गया है, राइट हैंड साइड में भी जो है सेम चीज लिखा गया है, नीचे तरफ जो है कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर नेट क्वांटिटी, साथ साथ प्राइस और कौन सा वेरिएंट है वो सभी जो है मेंशन किया गया है और साथ साथ यहाँ पर सार वैल्यू भी मेंशन किया गया है। सार वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हेड के लिए है 1.030 WKG और बॉडी के लिए है 0.720 WKG जो कि काफी कम है, ठीक ठाक है यहाँ पर। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाया गया है, कौन सा कलर है, मेरे पास जो है ग्लेशियर ब्लू है और एक जो है फ्लेमिंग रेड आता है और एक जो ब्लैक कलर का है, आप तीनों कलर में से किसी एक को बाय कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर स्पेक्स भी लिखा गया है। स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 855 ऑक्टाकोर चिपसेट देखने को मिल जाएगा, 6.2 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 48 प्लस 13 प्लस 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपका नॉर्मल कैमरा है और यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपका वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो लेंस कैमरा है और फ्रंट में जो आपको 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 4000 mAh का बैटरी दिया गया है और यहाँ पर जो है 27W फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ जो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो है डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको जो है मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है जो कि काफ़ी गलत बात है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है और यहाँ पर AI फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ दिया गया है, MIUI 10 दिया गया है, एंड्रॉयड पाई के साथ आता है। अब जो है जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है बॉक्स कंटेंट क्या है, फोन कैसा दिखता है। बॉक्स ओपन करते हैं, हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है और देखते हैं इसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिया गया है और एक जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस दिया गया है और ये जो है हार्ड केस है, आप देखिए ये जो है हार्ड केस दिया गया है। तो इस बार जो है Xiaomi ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस दिया है, तो मुझे ये केस काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट होता तो और भी बढ़िया होता क्योंकि फ़ोन के लुक को ये कहीं ना कहीं जो है छिपा देगा, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड वाला बात है। उसके बाद हमें जो है फ़ोन देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से पैकिंग में पैक होकर रहता है। तो फ़ोन की तरफ आते हैं बाद में, पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है हमें एक 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, Qualcomm 3 सपोर्टेड, तो ये नाइंसाफी वाला बात है। 27 वाट का चार्जर अगर बॉक्स के अंदर होता तो काफ़ी बढ़िया होता। और यहाँ पर जो है microSB सी टाइप केबल देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको सी टाइप केबल दिया गया है डेटा सिंकिंग और चार्जिंग वगैरह के लिए, तो ये अच्छी बात है। सी टाइप पोर्ट दिया गया है, सी टाइप केबल दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो है बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इन सभी को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन जो है प्लास्टिक रैप में रैप होकर आता है और यहाँ पर जो है रैपर को निकाल लेते हैं जल्दी से बाहर, उसके बाद जो है आपको फ़ोन दिखाते हैं। तो अब आप देख पाएंगे फ़ोन देखने में जो है कितना ऑसम लग रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ना, वो काफ़ी कूल लग रहा है। और यहाँ पर जो Redmi का बीच में लोगो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे जो है स्पेशली ब्लू कलर काफ़ी बढ़िया लगा। और एक जो है फ्लेमिंग रेड करके है जिसमें भी कुछ इस तरीके का ही पैटर्न है, तो आप चाहे तो उसे भी बाय कर सकते हैं। मुझे ब्लू कलर ऑसम लगा, इस वजह से मैंने ब्लू कलर जो है बाय किया। और पीछे जो है आपको ग्लास बैग देखने मिलता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है जो काफ़ी अच्छी बात है। और फोन को होल्ड करने में जो है कोई भी इशू नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो है साइड में आपको मेटल जो है फ्रेम देखने को मिलता है और यहाँ पर अलग से डेडिकेटेड जो है पावर बटन रेड करके दिया गया है, जिस वजह से जो और भी बढ़िया लगता है। तो फ़ोन जो है लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा हल्का होना चाहिए था, बट 4000 mAh बैटरी दिया गया है तो इस वजह से थोड़ा हेवी होगा मे बी।
तो आफ्टरऑल जो है फ़ोन लुकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है, मुझे जो है फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट इससे जो है बचने के लिए आपको दिया गया है जो है केस, जो कि हार्ड केस है। और जनरली मैं जो है अपने फ़ोन्स में हार्ड केस लगाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हार्ड केस लगाने से क्या होता है ना, फ़ोन में जो है काफ़ी जल्दी स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, और ये केस जो है आपके लुक को जो है कहीं ना कहीं छिपा देता है, बिल्कुल ही ब्लैक और ऑर्डिनरी लुक दे देता है आपके फ़ोन को। तो मुझे ये केस जो है उतना पसंद नहीं आया। ट्रांसपेरेंट केस होता तो काफ़ी बढ़िया होता है, इसका जो लुक है वो तो एटलीस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है केस काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, नो डाउट, बस नीचे से जो है खाली रहता है, ऊपर से खाली रहता है, बाकी यहाँ पर जो है केस काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। और आपके यहाँ पर जो है ग्लास को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर जो उठा हुआ केस नहीं है, गिरेगा तो ग्लास टूटने का भी डर रहेगा। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, 6.2 इंच का जो है आपको फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। एमोलेड होने की वजह से यहाँ पर जो कलर वगैरह काफ़ी पंची देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, और व्यूइंग एंगल वगैरह भी जो आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर जो है इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब जो है मैं इस फ़ोन को बूट कर रहा हूँ, और जब तक ये फ़ोन बूट होता है तब तक जो है आपको एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं इस फ़ोन का। फिजिकल ओवर बात के फ्रंट अप में आपको एयर स्पीकर देखने को मिल जाएगा, सेंसर वगैरह दिया गया है। फ्रंट बटन में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं पर ही जो आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाएगा। 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है, सेकंड जनरेशन माइक दिया गया है। नीचे की तरफ जो आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा, जहां पर आप जो एक टाइम पे दो सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पर कोई भी जो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। सी टाइप पोर्ट दिया गया है डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए। प्राइमरी माइक दिया गया है, प्राइमरी स्पीकर दिया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48+13+8 मेगापिक्सल का डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है, और यहां पर जो है रेडमी लिखा गया है, डिजाइन बाय Xiaomi। तो फ्रेंड्स फोन यहाँ पर बूट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बूट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है Xiaomi का ही इंटरफेस दिया गया है, जो कि MIUI 10 है। Xiaomi के हर फोन में एक ही जैसा इंटरफेस देखने को मिलता है, बट अच्छी बात है यहाँ पर जो आपको पोको लॉन्चर इनबिल्ट देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऐप ड्रॉयर, इस वजह से जो है ये लॉन्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लूटूथ भी देखने को मिलते हैं, फेसबुक, डेली हंट वगैरह, आप चाहें तो इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद नहीं तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। फोन को बूट करते हैं, मैंने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट को जो है सेट कर दिया था, एक बार चेक करते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सही तरीके से वर्क करे कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लॉक किया, यहाँ पर दोबारा से लॉक बटन प्रेस किया और स्वाइप अप करता हूँ, और ये देखिए पॉपअप कैमरा बाहर आता है और अनलॉक हो जाता है। दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर स्वाइप अप किया, पॉपअप कैमरा बाहर आया, अनलॉक, और यहाँ पर दोबारा से करते हैं, यहाँ पर स्वाइप अप किया, पॉपअप कैमरा बाहर, अनलॉक। तो यहाँ पर हाफ अ सेकंड लगाता है, बट काफ़ी अच्छे तरीके से ये फेस अनलॉक को डिटेक्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देख करते हैं फिंगरप्रिंट को, तो यहाँ पर मैंने फिंगर को रखा ओपन, यहाँ पर मैंने फिंगर को रखा ओपन, तो देखिए यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पर जो है कहीं पर भी रखता हूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो मुझे पता चल गया है कहाँ पर रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ और ये देखिए ओपन, तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेट है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं सेटिंग्स पे, आते हैं अबाउट फोन पे, तो यहाँ पर देखिए रेडमी K20 एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ पर एंड्रॉइड पाई है, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको MIUI 10.3.1 दिया गया है, 6GB का रैम है, और यहाँ पर देखिए 128GB में से 115.16GB जो आपको फर्स्ट बूट में अवेलेबल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार चेक करते हैं रैम को, तो यहाँ पर रैम की बात करें तो 6GB में से आपको जो है 3.5GB जो है अवेलेबल मिलता है फर्स्ट बूट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन में, और यहाँ पर आ गए हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन में, तो कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्ट्रा वाइड एंगल इसका लेंस है, और यहाँ पर देखिए ये इसका नॉर्मल है, और ये है टेलीफोटो लेंस यानी कि 2x। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, टेलीफोटो बेसिकली 8 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर जो है 13 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, और ये नॉर्मल 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और 48 मेगापिक्सल को एनेबल करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है 48 मेगापिक्सल दिया गया है, और ये रहा 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा। और नॉर्मली जो है आपका ये जो है 12 मेगापिक्सल के कैमरा में जो इमेज कैप्चर करेंगे, अगर आपको 48 कैप्चर करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं। बाकी शटर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल में थोड़ा सा स्लो है, और नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल इसका शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो अल्ट्रा वाइड में भी यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट कैप्चर कर रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर जो इसका कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है। अलग से मैं कैमरा रिव्यू लेकर आऊँगा इसका, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स इस फोन में जो आपको स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टाकोर चिपसेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और ग्राफिक्स वगैरह भी जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और प्लेयर भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है। और मैं इसे जो है इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ और मैं जल्दी इसका जो है फुल गेमिंग रिव्यू लेकर आने वाला हूँ। अभी जो है मैं छोटा मोटा गेम खेल रहा हूँ और अगर यहाँ पर बात करते हैं ग्राफिक्स की तो यहाँ पर दिखा देते हैं इसका जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स है वह है HDR और फ्रेम रेट जो हाई है और यहाँ पर जो है आप ज़्यादातर जो है HDR तक जा सकते हैं, अल्ट्रा HD नहीं जा सकते, HDR पे जा सकते हैं ग्राफिक्स और यहाँ पर फ्रेम रेट जो है एक्सट्रीम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट और HDR में जो है खेल कर दिखा देता हूँ और यहाँ पर गेम प्ले जो है और भी स्मूथ हो गया है। यहाँ पर जो है मैं खेल और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्पेशली इसका ग्राफिक्स। और यहाँ पर जो है मैं आपको एक किल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर जो है किल मेरे से नहीं हो पा रहा है हालांकि आपसे बात कर रहा हूँ इस वजह से, बट यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस रियली में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस इसका काफ़ी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। हालांकि मैं जो है अलग से डेडिकेटेड जो है गेमिंग रिव्यू लाऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये जो है अभी छोटा मोटा वार्म अप था तो मैं जल्दी जो इसका फुल गेमिंग रिव्यू लाऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंटोदू पे इसका स्कोर की बात करें तो इसने स्कोर किया है 364,837। गीगबेंच स्कोर की बात करें तो इसने किया है सिंगल कोर में 2,696, मल्टी कोर में इसने किया है 9,849। ये फोन जो है एट अ टाइम 10 मल्टीपल टच को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। इस फोन में जो आपको पहले से ही कैमरा टू API इनेबल देखने को मिलता है यानी कि आप यहाँ पर जो है गूगल कैमरा का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। इस फोन में जो आपको वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानी कि आप यहाँ पर Netflix, Amazon वगैरह जो है फुल HD कॉन्टेंट में जो है देख पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात है। साथ साथ बात करते हैं सेंसर्स की तो यहाँ पर हर तरह के सेंसर्स दिए गए हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, जायरोस्कोप हो गया, हर तरह के सेंसर मौजूद है। सेंसर के मामले में यहाँ पर जो है कोई भी कंजूसी नहीं किया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को Realme K20 Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है फॉलो कर लीजिए जहां पर आप जो है डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं किसी भी फोन से रिलेटेड और मैं जो है उसका रिप्लाई दूंगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में कुछ ज़्यादा ही जो एक्टिव रहता हूं और इंस्टाग्राम में जो है हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी इजी तरीके से हो पाएगा क्योंकि वहां पर जो है जनरली स्क्रीनशॉट भी हम शेयर कर सकते हैं साथ साथ वॉइस रिकॉर्ड भी शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूं और वहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूँ ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।